अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट RDX और आज हम जा रहे हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान एक्सप्रेस की कवरेज के लिए और रेलवे स्टेशन के फुल रिव्यू के लिए। तो अभी हम पहुंचे हैं अब्दुल हकीम सिटी में। पहले 10 से तो फाइनली हम पहुंचे हैं अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर। पहले 10 से नहीं प्लेटफॉर्म टिकट लेने पहुँच लो ना। यहाँ पहुँच कर सबसे पहले हमने प्लेटफार्म टिकट्स लेनी है और आपको भी ये ख्याल रखना चाहिए कि आप जब भी रेलवे स्टेशन पर जाएं किसी को छोड़ने के लिए या लेने के लिए तो प्लेटफार्म टिकट लेना लाजमी है, वो ज़रूरी है आपके लिए, वरना आपके लिए बाद में मसला होता है। ये सामने गाड़ियों के औकात कार हैं, ठीक है, किराए की लिस्ट है और ये सामने टिकट कार है। रेलवे की टिकट प्लेटफार्म की टिकट इतनी महंगी नहीं होती हैं, ये आपके लिए अपने ही फायदे के लिए होती हैं। ये अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन का मेन बोर्ड है और ये इस तरफ, ये रेल खाने वाल की तरफ जा रही है। अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन इंतहाई पुरसकून और शहर से दूर, ट्रैफिक से दूर। ये रेलवे स्टेशन क्योंकि अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है तो ये सामने बत्ती गोदाम है और ये स्टोरेज है। यहाँ पे वो मैनुअल तरीके से जो सिग्नल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके लिए यहाँ पे रखते हैं, बत्ती वगैरह रखते हैं, टार्च वगैरह रखते हैं। ये सामने टिकट घर है और साथ ही प्लेटफार्म, ये सामने टिकट घर है और साथ ही स्टेशन मास्टर का रूम भी होता है। असर की अजान का वक्त भी हो गया है। अभी हम वेट कर रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस का जो कि तकरीबन कोई 2.5 से 3 घंटे के बाद अभी यहाँ पे पहुँचेगी। ये जी पानी की बहुत बड़ी टैंकी है और इससे जो पानी है वो पूरे स्टेशन पर सप्लाई किया जाता है, मुसाफिरों के पीने के लिए भी और स्टेशन पर भी। ये सामने से फैसलाबाद की तरफ से जो है रेल ट्रैक है, बस अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस का। ये सामने जो है वो ठेला जहाँ पर रखा होता है, हाँ, उसका गिराज है ठेले के लिए, इमरजेंसी के और इस्तेमाल करते हैं ये। तो जी फाइनली हम जिस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे वो अभी आ चुकी है और तकरीबन हमने यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे इंतज़ार किया है। पहले बताया जा रहा था कि पहले यहाँ पे आज से 10 साल पहले 10 ट्रेनें होती थी, 10 ट्रेनें अप की और 10 डाउन की। 10 मुल्तान से जो है वो फैसलाबाद की तरफ जाती थी और 10 जी उसी तरह फैसलाबाद से वापसी खाने वाल कराची और इस तरफ जाती हैं। वैसे आप जब भी रेलवे स्टेशन पर या किसी भी भीड़भाड़ जगह पर वीडियो बनाते हैं तो लोगों की प्राइवेसी का लाजमी ख्याल रखा करें। हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छा व्यू, अच्छी वीडियो बना के अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ दें।
नेक्स्ट टूर हमारी कोशिश होगी कि हम रिहाड़ी और इसके अलावा साहिबाल और रामबाग रावलपिंडी तक अगले टूर की हमारी कोशिश है कि वहाँ तक हम कवरेज करें और आपको मालूम दें। हमारी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, बस ये अभी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे अब्दुल हकीम का जो है इस ट्रेन का यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट का स्टॉप है और पहले तो स्टेशन पे बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आने वाली थी तब जो है वो भीड़ भाड़ और रश बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन मुझे दूसरे स्टेशनों से ज़्यादा पुरसकून महसूस हुआ। तो अब्दुल करीम की स्टेशन की कवरेज करने के बाद बस अभी हम ये फ़ाइनल व्यू ले रहे हैं और ये साथ में गैराज और मोटरसाइकिल खड़े करने की और मुसाफिर खाना भी साथ में है। तो ये जो है कैबन है, ये अभी तक क्योंकि मुल्तान और खानेवाल की तरह अभी तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया और यहाँ पे सिग्नल का जितना भी निज़ाम है मैनुअली तरीके से किया जाता है। इसमें जो 4 सिग्नल हैं, एक मेन लाइन के लिए, एक जो है वो एमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है। और हमें दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी आ सकते हैं।